हे गाइस, आज की अपनी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है वाटरमेलन यानी तरबूजे से बना हुआ आइस क्यूब। तरबूजे के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है और आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली तो एक बार इसको भी ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि बहुत अमेजिंग और बहुत फास्ट आपकी रिकवरी करेगा। अगर आपकी स्किन डैमेज है, हाइपरपिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन है, सन डैमेज हो गया है, स्किन पे रिंकल्स फाइन लाइन आ गए हैं और आपकी स्किन काफी डल हो गई है और ग्लो भी चला गया है आपके स्किन का, तो ये आइस क्यूब डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। स्किन को बहुत जल्दी रिकवर करके आपके स्किन को रिजेनरेट करके आपके स्किन को ग्लोइंग और फेयर भी बनाएगा। इसके अलावा वाटरमेलन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और लाइकोपेन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे स्किन पे एज ए स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करती है। क्योंकि तरबूजे में, खरबूजे में नहीं, तरबूजे में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी भरपूर होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को ये डीपली नरिश करके मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ये डैमेज हुई स्किन को बहुत जल्दी रिपेयर करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन को रिजेनरेट भी करता है। और विटामिन सी हमारे स्किन को ग्लोइंग और फेयर बनाता है। तो आइए फिर जानते हैं इस तरबूजे की आइस क्यूब कैसे बनानी है घर पे इजी और सिंपल वे में। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि तरबूजा यानी कि वाटरमेलन जिसको हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। यहाँ पे तो यूपी में तो हम लोग इसको तरबूजा कहते हैं। तरबूजा जो ऐसे ग्रीन कलर का होता है, अंदर रेडिश रेडिश निकलता है, इसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, खाना तो हमें चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली गर्मियों में हमें बहुत खाना चाहिए, लेकिन ये हमारे स्किन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होता है इतना कि हमारे हेल्थ के लिए होता है। बस हमें क्या करना है, इसके अंदर के जो रेडिश पार्ट है जो हम खाते हैं वही हमें निकाल लेना है आइस क्यूब बनाने के लिए, जो कि हमने चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे। बस सिंपली इसको इस तरीके से निकालने के बाद कट करके निकाल लेना है। बस हमें जो इसका वाटर है या फिर जूस बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, हमें इसके जूस को निकालना है। जूस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करके फिर स्ट्रेन छान लीजिए छन्नी से, या फिर सिंपली इस तरीके से अपने हाथों का, खूबसूरत हाथों का उपयोग करिए और इसे निचोड़ निचोड़ इसके जूस निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं। अगर आप ऐसा करना पसंद नहीं है तो गो विद अनदर ऑप्शन। हमें फिर क्या करना होगा, आजकल अमेजोन पे बहुत बहुत गैजेट आ रहे हैं अच्छे अच्छे किचन के, उसको इस्तेमाल करिए। जैसा भी सुविधा पड़े आपको जूस बस निकालना है, कैसे भी निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने हाथों से कम 2 से 3 आइस क्यूब तो डेफिनेटली इसमें बन जाना है, तो मैंने उतना इसको ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब देखो मैं दिखाती हूँ कि देखिए अदर ऑप्शन हम लेके चलते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें डाल करके, ये अमेजोन पे इजिली मिल जाएगा आपको, ये इसमें सिंपली ऐसे डालना है, इसमें चटनी उटनी बना सकते हैं और चॉप कर सकते हैं। चॉपर बोलते हैं बेसिकली इसको, चॉपर मशीन या फिर चॉपर हैंड मशीन बोल दें इसको। क्या करना है, इसमें डाल करके आप इस तरीके से पकड़ के ऐसे करेंगे तो बस सिंपली 2 से 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार करेंगे, सिंपली इसमें जूस निकल के तैयार हो जाएगा। छान लीजिए, बस हमें जूस निकालना है। ऐसे जूस निकाल के आप पी भी सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए गाइस, जो तरबूजा है ना बहुत रामबाण है समर्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ये। आपको डेली 1 गिलास जूस तो इसका पीना चाहिए, खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, इसको छान लेना है। छानने के बाद हमें इसका बीज अलग कर देना है, थोड़े बहुत मटेरियल बचे होंगे उसको निकाल के साइड कर देना है। क्या हमें इसमें कुछ मिक्स करना है, तो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे इसमें क्या मिक्स करना है क्या नहीं मिक्स करना है, सस्पेंस है। देखिए हमें जूस मिल गया, कम से कम हमें 3 से 4 आइस क्यूब के जूस मिल गया। गाइस देखिए इसको डायरेक्ट जमा लीजिए, कोई जरूरत नहीं कुछ भी ऐड करने की। आप सिंपली इसको चेहरे पे लगाइए, क्योंकि देखिए समर है, समर में क्या होता है गर्मी की वजह से स्किन ऐसे ही बहुत सारा ऑयल निकालती है। तो गाइज ये सिंपली कुछ भी ऐड मत करिए और इसको ऐसे जमा दीजिए और बचे हुए इस जो तरबूजा है इसको सिंपली क्या करना, खा लेना इस तरीके से। आहा क्या मजा आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको फ्रीजर में रख देना है। जब ये हमारा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस जम जाएगी, तो हमें क्या करना है, सिंपली लेना है। हमेशा कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं क्लीन फेस पे इस्तेमाल करिए। आइस क्यूब को पकड़िए इस तरीके से स्किन पे, जब तक आपकी स्किन रेड ना हो जाए या फिर एक आइस क्यूब एक एरिया में, वन साइड, वन चिक पे खत्म ना हो जाए, तब तक इसको रब करना है। तो देखो गाइस कितना सिंपल था इस आइस क्यूब को बनाना तरबूजे के। ऐसे तो मैंने सिर्फ तरबूजे का एक ही सोर्स बताया, एक तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई तरीका जानना चाहते हैं कि चेहरे पे और कैसे इस्तेमाल करना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।